नमस्कार, मैं ज्योति, आप देख रहे हैं MIM न्यूज एक्सप्रेस। इस वीडियो के अंत तक बने रहें। बीजेपी सरकार की हार के दिन नजदीक आ रहे हैं। जनता इनके मुंह पर कह रही है कि हम आपको वोट नहीं देंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भाजपा नेताओं के लिए जनता का विरोध साफ नजर आ रहा है। लेकिन अब इनके पार्टी के ही लोग इनका विरोध कर रहे हैं और जनता भी भाजपा के विधायकों को दौड़ा दौड़ा कर भगा रही है। और अब एक एक करके हर जगह से इनके विधायकों का जनता और उनके ही नेता विरोध करने पर उतर आए हैं और भगाए जा रहे हैं। आपको बता दें, छपरौली से एक वीडियो सामने आया है जहां पे शैलेंद्र सिंह का भारी विरोध हुआ। पहले आप इस वीडियो को देखिए कि किस तरह से पार्टी के ही लोग इनका विरोध कर रहे हैं। विधायक जी को युवाओं ने घेर लिया और कैसे उनका विरोध करने लगे। ये वही युवा है जो देश का भविष्य है। इन्हीं युवाओं को रोजगार के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है और इन्हीं युवाओं पर लाठियां बरसाई गई हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का अब ये विरोध कर रहे हैं और भगा रहे हैं। आपको बता दें, रौलौदा के छपरौली विधानसभा सीट के प्रत्याशी घोषित करते ही क्षेत्र के लोगों व कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर दिया। प्रत्याशी के विरोध में गाड़ियों में सवार होकर सैकड़ों लोग दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह के आवास पर पहुंच गए। वहां लोगों ने प्रत्याशियों के विरोध में हंगामा किया और प्रत्याशियों को बदलने की मांग तक कर दी। लोगों ने चौधरी जयंती सिंह से कहा कि यदि छपरौला सीट पर प्रत्याशी नहीं बदला गया तो वहां रालोद को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इसके अतिरिक्त रालोद के कुछ नेता भी अंदरूनी विरोध कर रहे हैं, जिससे रालोद की परेशानी बढ़ सकती है। और एक और वीडियो सामने आया है जिसमें एक नेता रो रो कर कह रहे हैं कि मेरी भ्रूण हत्या कर दी गई है, मैं अभी राजनीति में पैर रख रहा था, बस उसे मिटा दिया गया। दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए कि कैसे बीजेपी नेता अपने ही नेताओं को कोस रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि उनकी सरकार को नहीं आने देंगे। भारतीय जनता पार्टी के इस हाल को देखकर लगता है कि इनकी लोटिया जल्दी ही डूबने वाली है और इनकी सत्ता खत्म होने का टाइम आ गया है। मेरी भ्रूण हत्या कर दी गई, मुझे इन राजनीतिक षड्यंत्रकारियों ने पैदा होने से पहले समाप्त कर दी। मेरी खिलागढ़ की जनता मेरे साथ जिस तरह से कंधा मिलाकर खड़ी हुई थी, मैं उस धोखे का बदला लूंगा। मैं घायल शेर हूं, खत्म करने की पूरी। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें MIM न्यूज एक्सप्रेस।